सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम फ्राई इडली बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले इडली का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 1.5 कप सूजी, आधा कप दही, 1/2 कप नमक डालकर सभी को मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिला लेंगे। देखिए बैटर बन चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गई हैं, अब बैटर को देख लेते हैं। देखिए ये अभी काफी गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिला लेंगे। इतना ही गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अब इसमें 1 पैकेट इनो डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इनो डालने के बाद ये पतला हो गया है। ध्यान रहे हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब पानी बॉईल कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप किसी भी बर्तन में पानी को बॉईल कर सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी लेंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे और धीमी आंच पर पानी को बॉईल होने देंगे। अब बैटर को इडली के मोल्ड में डाल लेंगे। आप इडली का मोल्ड किसी भी साइज का ले सकते हैं। अब इडली के मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड में डाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी मोल्ड में भी बैटर डाल लेंगे। सारे मोल्ड को स्टीमर के अंदर रख देंगे और स्टीमर को बंद कर देंगे। मीडियम गैस पर इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। दस मिनट हो गई हैं, अब इन्हें देख लेते हैं। अब एक चाकू लेंगे और इडली में डालकर देखेंगे।
देखिए चाकू एकदम साफ निकला है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस ऑफ कर देंगे और मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब इडली को प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इडली बन गई है। अगर आपके पास छोटी इडली का मोल्ड ना हो तो आप नॉर्मल इडली बनाकर उसे चार भाग में काट सकते हैं। अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें करीब 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच किसा हुआ अदरक और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 7 से 8 करी पत्ता डालेंगे, ये ऑप्शनल है। और 2 कटे हुए प्याज डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को हमें छोटा छोटा ही काटना है और टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखेंगे जिससे काफी टेस्टी बने। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे चला लेंगे। टमाटर भी पक चुके हैं, अब इसमें इडली डाल देंगे। सभी को मिला लेंगे। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फ्राई इडली बन गई है, गैस को बंद कर देंगे। इडली बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और गेस्ट के आने पर गर्मा गर्म सर्व भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।